एलपीपी के बारे में पढ़ेंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। इसमें एक चार नंबर का क्वेश्चन बनता है। मैंने यहाँ पे एक एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड लिया है, ठीक है ना, कि मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू -3x + 4y। जेड हमें ये दे रखा है, ठीक है ना। अब इसमें सब्जेक्ट टू x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 8, 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 12, एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हमें ये कंडीशन दे रखी है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें फिजिबल रीजन निकालना होता है और इसमें कॉर्नर के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, फिर अपन उन कोऑर्डिनेट को इस वैल्यू में रखेंगे और जहां पे जेड की वैल्यू जिस पॉइंट पे मिनिमम आएगी वही हमारे सॉल्यूशन होंगे, ठीक है ना। तो ये एलपीपी जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बिल्कुल इजी टॉपिक है। अब यहां से देखो, देखो सबसे पहले यहां से x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब x जो है वो पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, वो रीजन लेना है। इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो x पॉजिटिव और y भी प्लस का, तो प्लस प्लस कौन सा होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी हमें यहाँ पे एक ग्राफ बनाना है जिसका ओनली आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट ही बनाना है, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक। आप पूरा भी बना सकते हो चाहो तो। अब यहां पे देखो, यहां x डैश हो गया और यहां x हो गया, ये y एंड दिस इज y डैश। अब हमें क्या करना है, ये जो दो इक्वेशन दे रखी है उनके ग्राफ खींचने। तो आपको ग्राफ में क्या करना है, इनको डायरेक्ट शॉर्ट मेथड से अपन करेंगे। देखो यहां पे पहली इक्वेशन दे रखी है x प्लस 2y, इसको इज इक्वल टू 8 कर दो, लेस देन इक्वल टू अभी नहीं लिखना है, इसकी जगह आपको क्या करना है, इज इक्वल टू कर देना है। अब इसके टेबल बनाने, जैसे अपन 10th क्लास में करते हैं ग्राफ कैसे बनाते हैं, लाइन खींचनी है, तो वैसे ही हमें इसकी सीधी ये टेबल बना लो। इसमें दो पॉइंट काफी है आपको, यहाँ एक्स और यहाँ पे वाई। अब मान लो पहले एक्स जीरो रखेंगे, इस इक्वेशन में एक्स जीरो रखा, एक्स जीरो का मतलब एक्स वाला हट गया, क्या बचा, 2y = 8, देन y = 4, तो ये आ गया 4। नाउ अपन y जीरो रखेंगे, आपको y जीरो रखना है, तो y वाला हट गया, ठीक है ना, ये पोर्शन हट गया, तो x = 8, कितना आ गया 8, सीधा आ गया ना। तो यहां पे ये जो फर्स्ट इक्वेशन है उसकी टेबल ये बना दी अपन ने, उसी तरह ये सेकंड इक्वेशन है उसकी टेबल बनाओ, 3x + 2y = 12, इसको भी इज इक्वल टू 12 ले लेना आपको, ठीक है ना। अब यहां क्या करना, अपन सीधा डायरेक्ट इसकी टेबल बना लेते हैं। अब ये जीरो वाला मेथड भी कब करना है आपको, व्हेन दिस कांस्टेंट इज डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई एग्जैक्टली। जैसे एक्स वाई का ये कोएफिशिएंट 3 है, तो 12 3 से डिवाइड होता है, 12 2 से डिवाइड होता है, तो ये जीरो वाला मेथड आप कर सकते हो। तो यहां एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे, इसकी टेबल बनाते हैं अपन, तो एक्स जीरो रखा मीन्स एक्स वाला हट गया, क्या बचा, 2y = 12, तो 2y = 12 हो गया, तो y = 12/2, 2 नीचे कितना आ गया 6। अब अपन y जीरो रख देंगे, y जीरो रखना है आपको, तो y जीरो यानी ये पोर्शन जीरो, तो मीन्स 3x = 12, तो x = 12/3, कितना आ गया ये 4। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का ग्राफ खींचना है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में एक लाइन आती है, आपको पता है कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो इसकी एक लाइन आएगी। अब अपन सबसे पहले इसकी लाइन ड्रॉ करते हैं, देखो 0 4। अब यहां पे अपन पहले क्या कर देते हैं, ये जो ग्राफ है ग्राफ पेपर पे इस पे मार्किंग करनी है आपको। मार्किंग कैसे करनी है, जैसे यहाँ एक्स का हाइएस्ट देख लो 8 आ रहा है और वाई का हाइएस्ट 6 है, यानी एक्स में 8 तक तो लिखना ही है, तो यहाँ पे 1 column = 1 ले लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 जितना लिख सको। यहां पे अपन लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 and so on। अब हमें सबसे पहले देखो ये, अब 0 4 0 4 कोऑर्डिनेट कहां पे आएगा, 0 4, तो 0 ये हो गया, 0 और 4 यानी ये लाइन पे आएगा, ठीक है, ये हो गया। अब इसको मार्किंग करो 8 0, ठीक है ना, 8 0 का मतलब यहां से 8 और 0 का मतलब कहीं जाना नहीं, 8 0 ये आ गया, इसको मिला दो आप यहां पे स्ट्रेट इस तरह से, ठीक है। अब इसमें देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, अब रीजन कौन सा होगा वो अपन बाद में देखते हैं। अब लेस देन है, जब कभी भी लेस देन आता है तो लेस देन का पोर्शन नीचे लेफ्ट में देखना है,
यानी ये जो लाइन का ग्राफ आ रहा है उससे नीचे का पोर्शन, लेस देन का पोर्शन ये वाला हो गया, ठीक है ना, बिकॉज यहां पे साइन क्या है, लेस देन। तो x प्लस टू वाई इज इक्वल टू एट की लाइन तो ये हो गई। अब जब कभी लेस देन है, ये लेस देन का सिंबल, इसका मतलब लेस देन, इस लाइन के लेस देन पार्ट इधर वाला होगा, ये ग्रेटर देन का पार्ट है, तो ये पार्ट हो गया, ठीक है। अब अपन इसकी लाइन खींचेंगे 06, 06 का मतलब 0 और ये 6 आ गए। फिर है 40, 40 का मतलब ये हो गया पॉइंट, इसको यहां से यू मिला दो, ठीक है। अब इसमें भी यहां पे देखो लेस देन है, यहां पे भी क्या है, लेस देन इक्वल टू है, तो लेस देन इक्वल टू यानी ये लाइन है, इसका लेस देन पोर्शन कौन सा होगा, ये लाइन जो है उसके लेफ्ट में, ये पूरा पार्ट, ठीक है। और ये पार्ट क्या है, एक्स ग्रेटर देन जीरो, और ये पार्ट क्या है, वाई ग्रेटर देन जीरो, मीन्स इससे क्वाड्रेंट डिसाइड होता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब आपको फिजिबल पॉइंट कैसे निकालने, पहले तो एरिया निकालो। फिजिबल एरिया का मतलब दोनों का इंटरसेक्टिंग कॉमन एरिया कौन सा होगा, जैसे ये है, इस लाइन के नीचे का पार्ट ये है और इस लाइन के नीचे का पार्ट ये है, तो दोनों का कॉमन एरिया ये होगा, ये जो एरिया है वो अपना कॉमन एरिया है, इस एरिया को क्या कहते हैं, कॉमन एरिया। यानी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग x प्लस टू वाई लेस देन इक्वल टू एट, यानी ये नीचे हो गया और इसका ये नीचे का एरिया, ठीक है, यहां पे भी लेस देन है, तो दोनों का अगर कॉमन देखें तो ये एरिया आता। अपन ने ये क्यों नहीं लिया, बिकॉज x ग्रेटर देन यानी ये और y ग्रेटर देन यानी इधर, ठीक है ना, ये y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और ये x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो अपन को ये एरिया देखना है, ठीक है। अब इस एरिया के कॉर्नर पॉइंट निकालने, जैसे ये पॉइंट तो बताया हमें 0 0, ये पॉइंट कौन सा है 0 4, ठीक है, ये पॉइंट कौन सा है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। अब आपको ये मैंने यहां पे रफली ग्राफ बनाया है, अगर आपने इसको ग्राफ पेपर पे एग्जैक्ट करोगे तो ये सीधा पॉइंट आप मार्क कर सकते हो, यहां से 2 पे और यहां से 3 पे, इस तरह से। लेकिन अभी मैंने एग्जैक्ट नहीं बनाया है, अगर आप एग्जैक्ट बनाओगे तो ये पॉइंट है, ये कहां मिल रहा है 2 पे और यहां 3 पे सपोज मिल रहा है, तो मैं लिख दूंगा 2 3, और ये पॉइंट जो है वो 40 है, तो ये 40 आ गया, ठीक है। या फिर इन दोनों का इंटरसेक्टिंग सॉल्व करके भी ये पॉइंट निकाल सकते हैं, जैसे इन दोनों को अगर मैं सॉल्व कर दूं तो यहां पे 3x plus 2y is equal to 12 and x plus 2y is equal to 8, यहां माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, 2x equal to 4, तो x equal to 2 आ गया, x equal to 2 यहां पे पुट करेंगे अपन तो y is equal to कितना आ जाएगा 3, मीन्स ये 2 3 आ रहा है। तो इस तरह से भी आप चेक कर सकते हो, अगर रफली डायग्राम बनाओ ये 2 3। अब इसके चार पॉइंट आ रहे हैं, कौन कौन से पॉइंट है, एक तो 0 0, ये जो डायग्राम इसके कॉर्नर पॉइंट देखने हैं, देखो ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर हो गया, ठीक है। अब हमें यहां पे एक टेबल बनानी, इस तरह से यहां पे लिखना है कॉर्नर पॉइंट और यहां वैल्यू ऑफ जेड, जेड इज इक्वल टू -3x + 4y, ठीक है ना। अब आपके पहला कॉर्नर पॉइंट है 0 0, तो 0 0 पे जेड की वैल्यू कितनी होगी, यहां पे अगर 0 रखेंगे, 0 रखेंगे, 0 आएगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है 0 4, तो 0 4 यहां पे जेड में रखना है, एक्स की जगह 0 पुट करना है और वाई की जगह 4 पुट करना है, तो कितना आएगा ये 16 आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें 2 3 रखना है, 2 3, तो z इज इक्वल टू यहां पे 2 रखेंगे, ठीक है ना, 2 रखा तो -6 प्लस यहां पे 12, कितना हो गया ये 6 हो गया, तो कितना आया 6 आया। अब अपन लास्ट में रखेंगे 40 रखेंगे, तो z कितना आएगा यहां पे -12, ठीक है ना। अब आपको यहां पे देखो हमें क्वेश्चन में क्या देगा, मिनिमाइज करना है इसको, मिनिमाइज z इज इक्वल टू ये, तो मिनिमाइज करना है, तो इन सब में मिनिमम वैल्यू यानी सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है z की, वो देखनी है, ये मिनिमम है, ठीक है ना, ये मिनिमम वैल्यू है, उस पे जो कॉर्नर पॉइंट कौन सा है वही अपना आंसर है। तो कॉर्नर पॉइंट क्या आ गया 40, तो यही अपना आंसर है कि z मिनिमाइज कब होगा, व्हेन x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 0। तो इस तरह से अपन एलपीपी के क्वेश्चन कर